जब भी कोई नासा रॉकेट बनाकर तैयार कर लेता है तो उसे 6 किलोमीटर दूर लॉन्च पैड तक ले जाने की जरूरत होती है। इसी काम को पूरा करने के लिए नासा ने 1965 में नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर को बनाया। ये क्रॉलर ट्रांसपोर्टर मैक्सिमम 1.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रॉकेट को कैरी करता है। इसकी स्पीड को जानबूझकर स्लो रखा गया ताकि रॉकेट का बैलेंस बना रहे। अपोलो मिशन से लेकर स्पेस शटल प्रोग्राम तक सब इसी मशीन से पूरा हुआ है और आने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम को भी यही कैरी करेगा। इतने भारी भरकम मशीन में 4 कंट्रोल रूम है। इसे पावर मिलती है 2700 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से।